नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के साइकोलॉजी टेस्ट की बात करते हैं तो एक मुद्दा सामने नजर आता है, वो है आखिर कितनी सिचुएशन सॉल्व की जाए कि एसआरटी टेस्ट अच्छे से पास हो जाए। आखिर सिचुएशंस पे तुरंत आंसर क्यों नहीं आता। कई बार तो ये भी देखा गया है कि कैंडिडेट्स रट रहे होते हैं, इस सिचुएशन का ये आंसर होगा, इस सिचुएशन का ये आंसर होगा। तो सर, ये एसआरटी से संबंधित जो डाउट्स हैं हमारे कैंडिडेट्स के, इन सारे डाउट्स को क्लियर करने से पहले आप मुझे बताइए, ये सिचुएशन है क्या, क्या बेसिक सिचुएशन, इस सिचुएशन का लॉजिक क्या है एसएसबी में, इन दोनों का कनेक्शन समझाइए सर। अच्छा, देखिए, ये जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की जहां तक आपने बात की जी, या उससे पहले मुझे लगता है कि सभी व्यूअर्स को यह समझना चाहिए, जो आपका सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे जी, कि सिचुएशन क्या होती है। ये सिचुएशन को नहीं समझते और इनको लगता है कि वो 60 एसआरटी रट लो और बस उससे काम चल जाएगा, है ना। तो पहले उसकी बात को समझिए कि ये चीज क्या है। सिचुएशन जो है ये आपकी फीलिंग्स, डायनेमिक्स और मोमेंट्री सर्कमस्टांसेस जो बाहर हैं, जो कि बहुत देर तक नहीं रहने वाले हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फीलिंग्स, डायनेमिक्स एंड मोमेंट्री सर्कमस्टांसेस का एक कॉम्बिनेशन या जो सेट है उसको कहते हैं सिचुएशन, ठीक है, जो कि व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। सिचुएशन कभी व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, मतलब सिचुएशन बाहर होगी, आपके सराउंडिंग में होगी, ठीक है, वो सिचुएशन, उसको कहते हैं सिचुएशन, ठीक। और जब आपके रिएक्शन की बात आती है तो देखिए क्या होता है कि जब बाहर कोई चीज है तो उसको सबसे पहले तो उसकी एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो सिचुएशनल इंफॉर्मेशन, सिचुएशन में हमेशा सिचुएशनल इंफॉर्मेशन मायने रखती है कि आपको अच्छा, क्या बताया गया है और उस सिचुएशन में क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, कर रहे हैं, उसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो सिचुएशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू टू हैंडल दैट सिचुएशन, वो बहुत मायने रखती है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसको। देखिए, तीन प्रकार के आपको इंफॉर्मेशन, सिचुएशनल इंफॉर्मेशन तीन प्रकार की होती है। अच्छा, पहला क्यूज, CUES, क्यूज। दूसरी चीज होती है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, और तीसरी इंफॉर्मेशन जो सिचुएशनल इंफॉर्मेशन होती है वो है क्लासेस। तो क्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासेस, ये तीन प्रकार की सिचुएशनल इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर एसआरटी में। ये तीन चीजें होंगी, क्यूज पर्टिकुलर में नहीं, बाकी मिक्सचर, मतलब किसी में क्यूज मायने रखता है, किसी में कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी में जो है क्लासेस। सर, ये क्यूज क्या है, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा बात हो रही है तो थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं पूछूं तो ये क्यूज क्या है। अच्छा, देखिए क्यूज क्या है, सिचुएशन की जो ऑब्जेक्टिविटी है जी, उसको जो है क्वांटिफायबल स्टिमुलाई, ठीक है, कर दिया जाए। जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई जाती है टीएटी में, वर्ड्स दिए जाते हैं डब्ल्यूएटी में, एसआरटीज दी जाती हैं, जीटीओ के जो टास्क होते हैं जी, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के जो क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, ये क्यूज होते हैं, क्यूज, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि आप इसको कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल सिचुएशन जो होती है आपकी क्या रखी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जैसे क्या ये काम होना चाहिए, इतना जरूरी दिख रहा है आपको, क्या ये काम सबसे पहले होना चाहिए, कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क क्या है उसमें, है ना, और हाउ इंटेलेक्चुअली यू आर हैंडलिंग दैट सिचुएशन। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, ठीक है। और तीसरा क्लासेस जो है, क्लासेस का मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जब सिचुएशंस के या कंडीशंस को जब मिक्स कर दिया जाता है तो वो क्लासेस में आ जाते हैं। जैसे एसआरटीज में इनको मेडिकल के ऊपर जो आ जाती हैं, या फिर आपको जो है हैप्पी सिचुएशंस जो आती है, सेलिब्रेशंस के जो सिचुएशंस आती हैं, या ट्रैवलिंग की जो सिचुएशंस आती हैं, यू वर ट्रैवलिंग टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इन बिटवीन यू अच्छा लॉस्ट योर सूटकेस, बहुत आता है ये, तो बहुत आता है, हाँ, टिकट गुम गया, 12th के पेपर गुम गए जी, यस, ही हैड टू गो फॉर
ट्रेनिंग नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन छूट गई और उसकी ट्रेन छूट गई, या ही हैड टू रिपोर्ट टू द अकेडमी नेक्स्ट मॉर्निंग और रात में उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया, उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब आ गई, है ना। तो इस प्रकार की जो कॉम्बिनेशंस हैं इसको कहते हैं क्लासेस। तो सिचुएशंस में या तो क्यूज है या तो कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्लासेस है। क्लासेस एज अ डिफेंस एस्पिरेंट उसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में सिचुएशनल इंफॉर्मेशन पे अंडरलाइन करना चाहिए कि जी हाँ, सिचुएशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है वो देखें, ना कि ये जो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या होती है SRT रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। ये एक दिन रट करके काम नहीं चला सकते क्योंकि लाइफ आपकी बहुत लंबी है और जिसको सिचुएशन की सही जानकारी नहीं है वो लाइफ में आगे परेशान होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, क्यूज को और एक डिटेल में समझने के लिए इनको मैं बताऊं कि नोफेल एंड गस्ट ने 2015 में इसको आसान करने के लिए कि क्यूज क्या होते हैं इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था, वो शब्द था पल्स, PEARLS पल्स। अब इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, आपको क्यूज बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। पी स्टैंड्स फॉर पर्सन, पर्सन का मतलब मैंने शुरू में कहा था सिचुएशन आपके अंदर नहीं होती है, बाहर होती है, तो पर्सन का मतलब अदर पर्सन। अच्छा ठीक है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति, इनसे रिलेटेड इवेंट्स, क्या हो रहा है वहां पर या वहां कुछ हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं वो इवेंट्स। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मतलब सोशल, जो क्या बोलते हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, है ना, दूसरे लोग क्या एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है वो देखा जाए। देन रोल्स, आपका सोशल और फॉर्मल रोल क्या है। उसके बाद लोकेशन, स्पेस एंड टाइम ऑफ सिचुएशन, एंड स्टेट्स, मेंटल स्टेट ऑफ द सेल्फ और अदर्स, दूसरों की मानसिकता उस समय क्या है और आपकी मानसिकता क्या है, मेंटल स्टेट क्या है आपका उस समय, वो देखा जाए। तो ये PEARLS पल्स, ये है क्यूज को डिफाइन करने के लिए। हालांकि 2015 में ही रॉथमैन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो एस है लास्ट का स्टेट, मेंटल स्टेट जी, वो जो है किसी तरीके से पक्का नहीं माना जाता है इसके क्यूज के अंदर, बाकी ऊपर का जो है पर्ल, PEARL, हाँ ये इसका क्यूज का प्रॉपर वो है। अच्छा ठीक है सर, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को अगर आप क्लासेस में समझाते हैं तो आप भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में कैंडिडेट को ये समझाते हैं कि सिचुएशनल इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करें। जी हाँ, उस पे जोर दिया जाता है कि सिचुएशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है यहाँ से, ये बताइए, ना कि इसका सोल्यूशन चिपकाने की कोशिश करिए, है ना, सुधार तब होता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की भी टैक्सोनॉमी है। अच्छा ठीक है, ये टैक्सोनॉमी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज एक और वर्ड समझ लेने ये लोग, डायमंड्स। ठीक है, डायमंड्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स की टैक्सोनॉमी क्लियर करता है, और हाँ डिफाइन करता है, क्लियर करता है ये इसके कंटेंट हैं। देखिए इसमें डायमंड्स का फुल फॉर्म समझिए, तो देखिए डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी का मतलब है कि क्या ये काम होना जरूरी है और है तो कितना जरूरी है, ड्यूटी। इंटेलेक्ट, आई, आई स्टैंड फॉर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब है कि क्या आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग के टाइम में आप डीपली उसमें कॉग्निटिव हो पाए या नहीं हो पाए, आपका तालमेल दिमाग से कितना बनाया आपने। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी इज लाइक क्या सिचुएशन में कोई थ्रेट में है, विपरीत परिस्थितियां क्या दे दी गई आपको। एम स्टैंड्स फॉर मेटिंग। मेटिंग मतलब क्या सिचुएशन के अंदर कोई रोमांटिक पोटेंशियल दिया गया है, जैसे गर्लफ्रेंड वाली आ जाती है, योर हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिम फॉर वन ऑफ हिज गुड फ्रेंड, तो ये क्या है, ये मेटिंग। ठीक है, या किसी के फ्रेंड ने किसी और से बात कर ली, इस प्रकार की जो चीजें आती हैं। फिर ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिविटी क्या दिख रही है आपके अंदर। ठीक है,
क्या आप सिचुएशन को, क्या सिचुएशन इंजॉय की जा रही है वहां पर आपके द्वारा, ठीक है। फिर आ गया एन, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी में अगर आपको देख लिया जाए कि क्या सिचुएशन में इमोशनल टर्मोइल डाला गया है, नेगेटिव बनाई जा रही है इसको, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब क्या हम एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं, जो विश्वास वाली बातें आती हैं, तो वो डिसेप्शन में आ गया। और एस फॉर सोशलिटी। सोशलिटी मतलब क्या सोशल इंटरेक्शन या रिलेशन बिल्डिंग जो है कितना मायने रखता है वहां पर। तो इस प्रकार से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप इस शब्द से समझ सकते हैं। क्या बात है सर, बड़ी टेक्निकल नो हाउ आज आपने दी एसआरटी की। बातों को अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो हर कैंडिडेट को सिचुएशनल इंफॉर्मेशन पर फोकस कर पर फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गाइडेंस के बजाय मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब तक आपको दवाई के नाम पर गलत दवाई मत खा लीजिए, क्योंकि वो उसका रिएक्शन, फिर उसका इलाज कराते कराते परेशान हो जाओगे। सही बात है। आजकल एस्पिरेंट्स बुरा मत मानिएगा, बट लेकिन अगर यूट्यूब पे थंबनेल डाल दो कि ये कर लो तो एसआरटी पास, और आप देखेंगे उसमें व्यूज जो है करोड़ों में है सर, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में है। उसकी डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है, उसके बेसिक्स को समझिए तो ज्यादा फायदा होगा। अल्टीमेटली एसआरटी इज ऑल अबाउट सिचुएशनल इंफॉर्मेशन। क्या बेहतरीन तरीके से सर ने आप लोगों को समझाया। अगर आपका सपना भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज निकालना है, कमीशन अफसर बनना है, तो त्रिशूल डिफेंस अकेडमी बेस्ट एसेसर्स के साथ अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। जी हाँ, हमारे रिजल्ट्स हमारे पहले और हमारे बाद में चलते हैं साथ साथ। जी एनडीए 152 में दो कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस अकेडमी से सेलेक्ट हो चुके हैं अभी तक। टीएस 51 में, टीएस 46 से जो सिलसिला चालू है वो टीएस 51 तक हर बैच में है। जैग ऑल इंडिया रैंक 3 कार्तिकेयन सिंह खुद सर का नेफ्यू है। जी हाँ, सर ने कभी बताया नहीं था, बट ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ त्रिशूल डिफेंस अकेडमी। एस्पिरेंट्स ऐसे 650 की गिनती और है, आप भी अफसर बन सकते हैं सही गाइडेंस के साथ। बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस अकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।